साउथ फिल्मों के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का श्रीवल्ली हुक स्टेप क्रिकेटर्स को खूब पसंद आ रहा है। हर कोई इस गाने पर अपना वीडियो बनाकर फैंस के बीच शेयर कर रहा है। वो अपनी खुशी का इजहार इस स्टेप से कर रहे हैं। इस स्टेप को करने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में एक नाम भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का भी जुड़ गया है। दरअसल विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ओडियन स्मिथ का मुश्किल कैच पकड़ने के बाद शिवल्ली गाने का हुक स्टेप अपने अंदाज में कॉपी किया। सोशल मीडिया पर विराट के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने विराट के डांस के बाद कॉमेंट करते हुए लिखा कि आग लगे बस्ती में, विराट भाई मस्ती में। दरअसल भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए थे। वहीं 238 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए उत्तरी वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज ओडिन स्मिथ ने मैदान पर दो छक्के लगाकर भारतीय खेमे में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन 45वें ओवर में विराट कोहली ने ओडिन स्मिथ का कैच पकड़कर मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। उसके बाद कोहली ने इसे अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने फिल्म पुष्पा के श्रीवल्ली हुक स्टेप को अपने अंदाज में किया। वहीं कोहली के इस शानदार कैच पकड़ने का वीडियो बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक अकाउंट से भी शेयर किया है। इस वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान और खुश दिखाई दे रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली फील्ड पर हर मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दूसरे वनडे के दौरान जब उन्होंने मैच का सबसे महत्वपूर्ण कैच लपका तो वो खुद को डांस करने से रोक नहीं सके, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत ने 50वें ओवर में 9 विकेट पर 237 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया और बेहतर गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 46 ओवर में 193 रन पर समेट दिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्पोर्ट्स टाइम के साथ।